हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोटीज टेक्नोलॉजी चैनल। सो भाइयों, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ टेक्नो पोवर 3 मोबाइल के बारे में, जो कि इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, आपको किसी मोबाइल में ऐसा स्पेसिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा जो इस मोबाइल में आपको देखने के लिए मिलेगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस मोबाइल को इंडिया में लॉन्च हो चुका है, लॉन्च हुए एक दो दिन हो गया, लेकिन इसका अभी सेल स्टार्ट नहीं हुआ, आप इसको परचेस नहीं कर सकते। एक दो हफ्ते के बाद ही इसका प्राइस पॉइंट लीक होगा, फिर आप परचेस कर सकते हो। अब भी आपको ये परचेस करने का ऑप्शन बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इस मोबाइल में इंडिया में कुछ लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं यही मोबाइल के बारे में फुल रिव्यू बताने वाला हूँ, इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिलेगा। सो ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है तो भाई के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल में, तो डिफरेंस ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये आपको प्लास्टिक बिल्ड पे देखने के लिए मिलेगा। बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जो कि ब्लैक ब्लू सिल्वर कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। बेस्ट लुक आपको बैक साइड से देखने के लिए मिलेगा। और इसमें सेंटर में आपको एलईडी लाइट देखने के लिए मिलेगा, जिस तरह से आप एक्सचेंज और लाइट चेंज कर सकते हो। ये आपको बेस्ट एंड नेक्स्ट लेवल लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसके डिजाइन में। सो डिजाइन बिल्ड मटेरियल में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। रैम रोम की बात कर ले तो आपको दो वेरियंट देखने के लिए मिलेगा। 464 के साथ आपको 3 GB वर्चुअल रैम देखने के लिए मिलेगा, 6128 के साथ 5 GB का वर्चुअल रैम देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसमें आपको रैम रोम अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। कैमरे में आपको मिलेगा 50 MP का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है, OIS आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फ्रंट में आपको 8 MP देखने के लिए मिलेगा, डबल LED फ्लैश लाइट के साथ फ्रंट में। जो कैमरा सेटअप प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल जा रहा है, तो इसमें आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.9 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल, ठीक है। आपको बेस्ट डिस्प्ले भी देखने के लिए मिल जा रहा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा, तो इसके डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। चिपसेट में आपको मिलेगा MediaTek Helio G88 का चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। 12nm फैब्रिकेशन के साथ आता है। हीटिंग और लैग्स थोड़ा मोटा देखने के लिए मिलेगा अगर आप हैवी यूजर हो तो, लेकिन इस मोबाइल में आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेटर लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सो गुड एंड एक्सलेंट आपको यहाँ चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से। सो बहुत अच्छी बात है। सो इसके बैटरी के बारे में आते हैं, तो इसके बैटरी में आपको नेक्स्ट लेवल के स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे। 7000mAh की बिग बैटरा देखने के लिए मिलेगा, 33W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलेगा। और इस मोबाइल में आपको न्यू लेटेस्ट एंड नेक्स्ट लेवल के स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे। इसके बैटरी से आप दूसरे मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। जी हाँ गाइस, 10W का आपको यहाँ सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। आप इसमें USB केबल लगा के दूसरे मोबाइल में चार्जर ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप इस मोबाइल को आपको बैटरी जैसे पावर बैंक भी यूज करते हो, इसको भी ऐसे भी यूज कर सकते हो। सो ये ऐसे मोबाइल पावर बैंक के साथ मोबाइल भी देता है, तो ये मोबाइल कड़क एंड बेस्ट होने वाला है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। डबल स्टूडियो स्पीकर देखने के लिए मिलेगा, साइड माउंटर फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलेगा एंड ऑल ओवर इसमें आपको क्लियर स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जा रहा है। सभी कुछ आपको इसमें भर भर के दिया है, डिपेंड करता है इसका प्राइस पॉइंट क्या आने वाला है। और ये आपको एंड्रॉइड 12 के साथ देखने के लिए मिलेगा। सो ये आपको क्लियर स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। प्राइस पॉइंट एक्सपेक्ट करेंगे अदर कंट्री में आपको 12-13 हज़ार में देखने के लिए मिल जा रहा है, लेकिन इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलता है कहीं ना कहीं 15 हज़ार से भी बेस्ट देखने के लिए मिलता है। 15 हज़ार में जो मोबाइल देखने के लिए मिलते हैं उससे भी कई गुना अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। चिपसेट में कमी है और डिस्प्ले में भी कमी है, लेकिन प्राइस पॉइंट ऐसा कहीं ना कहीं 11-12 हज़ार भी इंडिया में होने वाला है। तो अभी इस प्राइस पॉइंट का अभी लीक नहीं हुआ, वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। बिल्कुल भी अभी इसका प्राइस पॉइंट थोड़ा भी लीक नहीं हुआ है। इंडिया में लॉन्च हो चुका है, लेकिन आपको इसका प्राइस पॉइंट बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेल की बात करते हैं, आपको एक दो हफ्ते में ये सेल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप परचेस कर सकते हो। प्राइस पॉइंट भी आपको तभी कन्फर्म पता चलेगा, अभी आप कन्फर्म इसका प्राइस पॉइंट नहीं है। सो ये वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है, भाई का चैनल आपको सपोर्ट कर सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।